तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान रॉयल्स कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ आईपीएल का 56वां मैच खेलेगी। इस मैच के आगे कोलकाता और राजस्थान दोनों के विपरीत परिणाम आए हैं। दो बार के चैंपियन दो गेम जीतने के क्रम में हैं, जबकि रॉयल्स ने निराशाजनक प्रदर्शन की है क्योंकि वे कुछ बड़ी हार के साथ तीन मैचों की हार के सिलसिले में हैं। कुछ खराब प्रदर्शन के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स को आखिरकार एक विजयी रथ पे शामिल हो गया है जिसने टीम को दो बड़े गेम जीतने में मदद की है। नीतीश राणा के बल्ले से बड़े पैमाने पर सुधार किया है क्योंकि जेसन रॉय, रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल ने लगातार क्लिप बनाई है, जबकि केकेआर के स्पिनरों के कंधों पर अधिकांश जिम्मेदारी के साथ गेंदबाजी का सर्वोच्च शासन जारी है। दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स ने अपने सीजन की शानदार शुरुआत के बाद प्लॉट खो दिया है। बल्लेबाजी अपनी पकड़ बनाने में कामयाब रही है लेकिन मध्यक्रम और निचले मध्यक्रम के बल्लेबाज अब तक बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे हैं, जबकि गेंदबाजी आक्रमण टीम के लिए बहुत बड़ी समस्या रही है, खासकर डेथ ओवरों में। दोनों टीमों के प्लेइंग 11 इस प्रकार रह सकती है। कोलकाता नाइट राइडर्स: रहमानुल्लाह गुरबाज, जेसन रॉय, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती। राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, जोस बटलर, संजू सैमसन, जो रूट, ध्रुव जुरेल, शिमरोन हेटमायर, रविचंद्रन अश्विन, मुरुगन अश्विन, संदीप शर्मा, ट्रेंट बोल्ट और युजवेंद्र चहल। इस रोमांचक मुकाबले में किसकी जीत होगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह के डेली क्रिकेटिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अच्छा ठीक है।